नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूँ आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम जरूरी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का आज का सिलसिला। प्याज की खुदरा कीमतों में आ रही तेजी के बाद सरकार हरकत में आई है। सरकार ने कहा है कि वो प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए खुदरा बाजार में बफर स्टॉक से और ज्यादा मात्रा में प्याज उतारेगी। राष्ट्रीय राजधानी में प्याज का खुदरा मूल्य 67 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है, जबकि इसका अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 58 रुपये किलो है। त्योहारी मौसम और मंडियों के बंद होने की वजह से पिछले 2 से 3 दिनों में कुछ बाजारों में प्याज की आपूर्ति में अस्थायी बाधा आई है। इसे दूर करने के लिए प्याज आपूर्ति को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सहकारी संस्था नाफेड ने इस सप्ताह दिल्ली NCR के लिए 2 और रैक और गुवाहाटी के लिए 1 रैक मंगवाया है। बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन के माध्यम से खेपों को भी बढ़ाया जाएगा। सरकार ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली की जरूरत को पूरा करने के लिए सोनीपत के कोल्ड स्टोरेज में रखे प्याज को बाजार में उतारने का भी फैसला किया है। अगर आप भी ब्याज दरों में कटौती का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। SBI रिसर्च ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि खुदरा महंगाई दर लगातार ऊंची बने रहने की वजह से RBI के फरवरी तक ब्याज दर में कटौती की संभावना नहीं है। SBI रिसर्च ने जनवरी से महंगाई में थोड़ी नरमी आने की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.8 से 4.9% के बीच रहेगी, जो RBI का टारगेट 4.5% से ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी में रेट कट की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पहला रेट कट फरवरी के बाद ही होने की उम्मीद है। खाद्य महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 10.87% पर पहुंच गई है। सब्जियों की महंगाई 42.18% हो गई है। कई बड़े राज्यों में महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। ऐसे में ब्याज दर में कटौती करना जल्दबाजी और जोखिम भरा होगा। अगर देश के 3 बड़े बैंक फेल हो गए तो तबाही मच सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने SBI, GFC और ICICI बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में वर्गीकृत किया है। RBI ने चेतावनी दी है कि यदि ये बैंक फेल होते हैं तो इसका देश की आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से तबाही मच सकती है। इन तीनों बैंकों को उस बकेट के अनुसार कैपिटल कंजर्वेशन रिजर्व्स के अतिरिक्त उच्च कॉमन इक्विटी टीयर 1 को बनाए रखना जरूरी होगा, जिसके अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है। CET1 पूंजी को सबसे हाई क्वालिटी वाली पूंजी माना जाता है, जबकि AT1 और Tier 2 पूंजी को लो क्वालिटी का माना जाता है। उद्योग संगठन सियाम के मुताबिक यात्री वाहनों की थोक बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर बढ़त के साथ 3,93,268 यूनिट रही। एक साल पहले यानी अक्टूबर 2023 में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 3,89,714 यूनिट रही थी। पिछले महीने टू व्हीलर की बिक्री सालाना आधार पर 14% बढ़कर 21,64,276 यूनिट हो गई है। पिछले साल ये आंकड़ा 18,95,799 यूनिट रहा था। अक्टूबर में 2 प्रमुख त्यौहार दशहरा और दिवाली होने से उपभोक्ता मांग बढ़ी, जिससे ऑटो इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। टू व्हीलर सेगमेंट ने 2024 में अक्टूबर की अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विजयवाड़ा के दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कार्रवाई बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने पर की गई हैं। RBI ने कहा कि बैंक 12 नवंबर 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर अपॉइंट करने का आदेश जारी करने का अनुरोध RBI ने किया है। लिक्विडेटर पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि पर बीमा दावा कर सकते हैं। DICGC ने 31 अगस्त 2024 तक कुल बीमित जमा राशियों में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए FSSAI ने ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री सुनिश्चित करें जिनकी शेल्फ लाइफ कम से कम 45 दिन की हो। FSSAI ने ई कॉमर्स FBO से ऐसा व्यवहार अपनाने को कहा है जिसके तहत उपभोक्ताओं को डिलीवरी के समय खाद्य उत्पाद की न्यूनतम शेल्फ लाइफ 30% या 45 दिन बची हो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किए गए किसी भी उत्पाद के दावे उत्पाद लेबल पर दी गई जानकारी के अनुरूप होने चाहिए और FSSAI के लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमों का पालन करना चाहिए।
इस साल त्योहारी सीजन के दौरान अस्थायी कर्मचारियों यानी कि गिग वर्कर्स की नियुक्ति सालाना आधार पर 23% वृद्धि के साथ 12 लाख से अधिक रही। भर्तियों में ये वृद्धि ई कॉमर्स क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। ये मांग मुख्य रूप से तेजी से बढ़ते खुदरा माहौल, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, ई कॉमर्स में विस्तार और जस्ट इन टाइम भर्ती के बढ़ते ट्रेंड से प्रेरित है। गिग वर्कर्स रिपोर्ट में कहा गया है कि इस त्योहारी सीजन में 12 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स की भर्ती हुई। ये लोगों और कंपनियों के काम करने के तरीके में बदलाव को दर्शाता है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF में अक्टूबर में 1961 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश हुआ है। मासिक आधार पर ये 59% की वृद्धि है। त्योहारों और शादियों के मद्देनजर सोने की कीमतों में वृद्धि के चलते इसमें बढ़ोतरी हुई है। एमफी के आंकड़े के मुताबिक अक्टूबर 2023 में 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। उसकी तुलना में ताज़ा निवेश 2 गुना से ज़्यादा है। इस निवेश से अक्टूबर अंत तक गोल्ड फंड का AUM 12% बढ़कर 44,545 करोड़ रुपए हो गया, जो इससे पिछले महीने 39,823 करोड़ रुपए था। आंकड़ों के अनुसार गोल्ड ETF में अक्टूबर में 1,961 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ, जो इससे पिछले महीने में 1,233 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेश से काफ़ी ज़्यादा है। अगस्त में 1,611 करोड़ रुपए, जुलाई में 1,337 करोड़ रुपए, जून में 726 करोड़ रुपए और मई में 827 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। अप्रैल में गोल्ड ETF से 396 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। IL&FS ग्रुप कंपनियों के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। NCLAT ने कर्ज में डूबी IL&FS ग्रुप को शेष 58 कंपनियों के लिए समाधान प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने बताया कि 30 सितंबर 2024 तक उसने 37,700 करोड़ रुपए के ऋण का समाधान कर दिया है। 302 संस्थाओं में से 188 संस्थाओं की समाधान प्रक्रिया पूरी हो गई है और केवल 114 संस्थाएं बाकी है, जिनमें से केवल 58 संस्थाओं के लिए स्टे ऑर्डर जारी रखने की जरूरत है। समूह के मौजूदा कदमों से संतुष्ट NCLAT ने अब NCLAT मामले को अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में आगे के आदेश के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के शेयर बाजार में लिस्ट होने के साथ कंपनी के 500 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व कर्मचारी करोड़पति बन गए हैं। स्विगी ने 5,000 कर्मचारियों को ESOP के तहत IPO की ऊपरी सीमा 390 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 9,000 करोड़ रुपए के शेयर आवंटित किए थे। कंपनी के बाजार में लिस्ट होने और शेयर मूल्य बढ़ने से कर्मचारियों को लाभ हुआ। कंपनी ने IPO के लिए मूल्य दायरा 371 से 390 रुपए प्रति शेयर रखा था। कर्मचारी शेयर विकल्प योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपए के शेयर 5,000 पूर्व और वर्तमान कर्मचारी को दिए गए। मूल्य दायरे की ऊपरी सीमा के आधार पर 5,000 में से 500 कर्मचारी करोड़पति बन गए। स्विगी का शेयर NSE में 390 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 420 रुपए पर लिस्ट हुआ। BSE में शेयर 412 रुपए पर लिस्ट हुआ। हरियाणा में 2 लाख लोगों का अपना घर होने का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार एक नई योजना तैयार कर रही है। इस पहल के तहत बिना जमीन वाले पात्र आवेदकों को गांवों में 100 वर्ग गज के भूखंड दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में 5 लाख व्यक्तियों ने भूखंड के लिए आवेदन किया है। सभी पात्र लाभार्थियों को अलग अलग चरणों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे, जिनमें से 2 लाख व्यक्तियों को जल्द ही लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 100 वर्ग गज के इन भूखंडों पर मकान बनाने में लाभार्थियों की सहायता करने का प्रावधान किया है। लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। NTPC की सब्सिडियरी NTPC ग्रीन एनर्जी का 10,000 करोड़ रुपए का IPO 19 नवंबर को खुलने वाला है। इसके लिए प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। IPO की क्लोजिंग 22 नवंबर को होगी। एंकर निवेशक 18 नवंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। शेयरों की लिस्टिंग BSE और NSE पर 27 नवंबर को हो सकती है। NTPC ग्रीन एनर्जी IPO में केवल नए शेयर्स जारी किए जाएंगे। IPO से हासिल पैसों में से 7500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के कर्ज को चुकाने में होगा। बाकी रकम सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप Money9 के YouTube चैनल को जरूर कर ले सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। नमस्कार।